अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड टुडे वीडियो इज़ अबाउट अ वेरी गुड मास्क जो कि आपकी एक्ने के लिए, आपकी स्किन ड्राइनेस और डलनेस के लिए बहुत 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 अच्छे तरीके से काम करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना रिमूव माय मेकअप, और उसके लिए मैं जॉनसन बेबी की वाइप्स यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज वो बहुत 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 अच्छे तरीके से काम करती हैं और बिल्कुल भी जो है वो आपके फेस पे रैशेस नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। ऑब्वियसली वो बेबी वाइप्स हैं तो आपको उससे कोई मसला नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, आप जो है वो बेबी वाइप्स के ऊपर, यानी कि कोई भी वाइप्स आप मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उन वाइप्स के ऊपर जो है वो मेकअप रिमूवल क्लींजिंग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं डालकर। मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक डालने जा रही हूँ ये जो मेकअप रिमूवल। इससे ये होता है कि आपका मेकअप बहुत ही डिटेल से आपके फेस से रिमूव हो जाता है, आपके पोर्स से आपका सारा डस्ट और जो भी मेकअप है वो आराम से निकल जाता है। और उसके बाद ये आपने फेस वॉश करना है किसी भी अच्छे से फेस वॉश से, ठीक है। मैं पोन्स का फेस वॉश यूज़ करके वापस आऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर फेस वॉश नहीं कर सकती ऑब्वियसली। सो यस, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को क्लींजिंग करनी है, और क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पर मिल्क ले रही हूँ, ठीक है, रॉ मिल्क ले रही हूँ। आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं, ठीक है। और उससे मैं टिश्यू पेपर को फोल्ड करके बहुत अच्छे तरीके से मिल्क में टिश्यू पेपर डिप करके उसको बहुत ही आराम से तसल्ली से अपने फेस पे जेंटली रब करूँगी, ताकि मुझे मेरे फे अच्छा ये जो मिल्क मैंने लिया ये था, ये ठंडा था, तो इससे मुझे बहुत ही सुकून, पीस और बहुत ही अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे ये टिश्यू जो है उस रब करना है हल्के हल्के, और दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिप हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे बीबन ड्रॉप्स जो हैं वो रह रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और किसी थर्ड एंड लास्ट और फाइनल स्टेप है मास्क, ठीक है। ये मास्क है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा आपके फेस के लिए। इसको बनाना किस तरह, ठीक है, आपने 1 टेबल स्पून लेना है आटा, यानी कि फ्लोर, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, वाइट आटा भी ले सकते हैं, आप घर का जो होता है वो भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है फ्लोर, और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लिया है मिल्क, और 1 टेबल स्पून लिया है अरके गुलाब, यानी कि रोज़ वाटर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने 1 टेबल स्पून लेनी है, या जितना मतलब आप अपने स्किन के हिसाब से ले लें, जितना मास्क आपको चाहिए आपने वो लेके बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। और तकरीबन आपने 10 मिनट्स के लिए इसको अपने फेस पर लगाने देना है, और उसके बाद अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। नाउ आई एम गोना यूज़ एलोवेरा जेल, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है वो एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सईद गनी की एलोवेरा जेल, आप कोई भी जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने फेस पे मसाज करूँगी इसका, और यस, डन डन, वी आर गुड टू गो। तो जी, ये था आज का मास्क जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे काम करेगा। इससे आपकी स्किन से ड्राइनेस ख़त्म होगी, डलनेस ख़त्म होगी, और आपकी एक एक्नी जो है उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। एलोवेरा जेल उसके बाद आप लगा लेंगे, उससे आपकी मतलब ज़ाहिर एलोवेरा जेल जो है वो भी आपकी आपको एक्नी से प्रिवेंट करेगी। तो अगर आपकी स्किन पर कोई दाने हैं तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, और अगर आपकी स्किन पर दाने होने वाले हैं तो वो उससे भी आपको बचाएंगे, ठीक है। तो यस, ये मास्क आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करना है, वीक में 2 से 3 दफ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिजल्ट इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, विद इन 2-3 वीक्स रेगुलरली जैसे आप अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो जी, वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।